मम प्रिय विद्यार्थिनः मम नाम अंजनी कुमार शिवाली अस्ति भवतः किं नाम अस्ति भवतः नाम आयुष हर्ष हर्षिता अपिचर मैं इस वीडियो में आपको संस्कृत भाषा का एकल शब्द पढ़ाना चाहता हूँ। संस्कृत बड़ी सरस भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, रुचिर भाषा है, खूबसूरत भाषा, प्यारी भाषा, हमारी मातृभाषा। हिंदी की भी माँ है संस्कृत, पूरे देश की, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा। हमारे पूर्वज पहले संस्कृत भाषा में ही पढ़ते थे, बोलते थे, लिखते थे, समझते थे, अपने भावों को व्यक्त करते थे। सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत भाषा जैसा व्याकरण किसी भाषा का नहीं, सबसे शुद्ध भाषा। इस पर रिसर्च हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बाद यह निर्णय लिया गया कि सबसे शुद्ध परिमार्जित कोई भाषा है दुनिया की वो तो है किसकी भाषा, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। इसका निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया, पाणिनि ने किया, कात्यायन ने किया, पतंजलि ने किया, ये सभी ऋषियों ने मिलकर के संस्कृत भाषा का निर्माण किया। इस भाषा का मैं एतत् शब्द पढ़ाना चाहता हूँ। एतत् तीन रूप सर्वनाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत बोलने में सर्वनाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्द भंडार माने शब्दों की संस्कृत, और उसके अलावा सर्वनाम का प्रयोग, शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम दोनों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग और शब्द भंडार माने शब्दों की संस्कृत करना, अगर हो जाए तो हम संस्कृत आसानी से बोल सकते हैं। एतत् तीन रूपों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। एतत् एते एतान ये नपुंसक लिंग का है, और ऐसा स्त्रीलिंग में ऐसा एते एता ये स्त्रीलिंग का है, और ऐसा एतौ एते ये पुल्लिंग का है। तो मैं सबसे पहले आज इस वीडियो में केवल पुल्लिंग शब्द पढ़ूंगा। अच्छा देखिए किसके आधार पर चलता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक पढ़ाया था, उसी कारक के आधार पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के रूप चलते हैं। कारक कितने कारक होते हैं, छह कारक। विभक्तियां कितनी होती हैं, सात विभक्तियां होती हैं। इन्हीं सातों विभक्तियों के आधार पर तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में सभी शब्दों का रूप चलता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों शब्दों का रूप चलता है। कितनी विभक्तियां हैं, सात। वचन कितने हैं, तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिख रहा है, बहुवचन आ रहा होगा, बहुवचन। चलिए देखते हैं किस तरह से रूप चलता है। ऐसा एतो एते प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन विभक्ति। कितनी विभक्तियां हैं, सात। प्रथमा विभक्ति चिन्ह का काम नहीं है, कोई काम कर रहा है, करता है, क्यों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका होगा प्रथमा विभक्ति का ऐसा एतो एते, एक वचन में हुआ ऐसा, और द्विवचन में हुआ एतौ, और बहुवचन में हुआ एते। इसका प्रयोग होता कहाँ है, एतत् का अर्थ क्या होता है, एतत् का अर्थ होता है यह, और तत् का अर्थ होता है वह। जैसे कोई वस्तु अगर समीप है तो उसके लिए कहेंगे एतत्, अगर यही वस्तु दूर हो जाए तब क्या कहेंगे, तत्। जैसे पुस्तक है, कहेंगे एतत् किम् अस्ति, हमारे पास है ना, एतत् किम् अस्ति, एतत् पुस्तकम् अस्ति, अगर यही दूर हो जाए तो कहेंगे तत् किम् अस्ति, तब कहेंगे तत् पुस्तकम् अस्ति, कहेंगे तत् किम् अस्ति, तत्
जैसे मान लीजिए चित्र दीवार पे है, दूर है, कहेंगे तत्र किम् अस्ति, तत्र चित्रम् अस्ति, और वही चित्र समीप में रहे तो कहेंगे एतत् किम् अस्ति, अगर वही यहाँ पे है कहेंगे एतत् किम् अस्ति, यह क्या है, एतत् चित्रम् अस्ति। एतत् का मतलब होता है यह, एक वचन में एसा, यह कौन है, एसा किम् अस्ति, एतो कौन है, एतो कौ अस्तः, और एसव कौन है, एते का सन्ति, इस तरह से आप पढ़ेंगे। अब तो द्विवचन में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति प्रथमा का था, द्वितीय विभक्ति प्रथमा में विभक्ति में एक वचन में एसा, द्विवचन में एतो, और बहुवचन में एते, और द्वितीय विभक्ति में एतम एतौ एतान, का विकार सह पौते पंतेतान, तो यहां हो जाएगा एतम एतौ एतान, एतम एतौ और एतान, दूर के लिए ही होगा तम तेतान, नदी के लिए होगा एतम एतौ एतान, एक कर्मकारक होगा, इसे इसको नजदीक है, इसको एतम ना, इन दोनों को एतम, इन सब को एतान, अगर ये दूर हो उसको तब हो जाएगा सततम, उन दोनों को तौ, उन सब को तान। अगला है दिया करती, ये कर्मकार में होता है, दिया एतें एताभ्याम एतैः, एतें एताभ्याम एतैः, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा, या इनसे, इन दोनों से, इन सब से, एतें एताभ्याम एतैः। और अगला है चतुर्थी, संप्रदान कारक में होता है चतुर्थी, तो फिर हो जाएगा एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, के लिए, इनके लिए एतस्मै, इन दोनों के लिए एताभ्याम, इन सब के लिए एतभ्या एतेभ्या, अगर एक बार होगा तस्मै ताभ्याम तेभ्या, यह है तो एतस्मै एताभ्याम एतेभ्या। और अगला है पंचमी, इसको आप समझ गए इतना ना, अब मैं जो तीन भक्तियां और हैं यहां से करता हूं, क्या देता हूं इसको, ऐसा एतो एते एतम एते एता एतम एतो एतान एतेन एताभ्याम एतैः, पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में देखिए, हमने समझाने के लिए आपको बताया, चौथी तक हो गया है, हम देखेंगे पांचवी, इसको आप याद करेंगे, सेना की बढ़िया हो गया, हम जरूर याद करेंगे, ये बहुत मजा है। अगला देखेंगे हम पंचमी भक्ति, कौन सी भक्ति, पंचमी, पंचमी में एक वचन में हो गया एतस्मा, में क्या हो गया एताभ्याम, और बहुवचन में क्या हो गया एतेभ्यः, चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन एक होता है, और द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, द्वितीय चतुर्थी पंचमी, इनका द्विवचन एक ऐसा होता है, एतस्मा इनसे, अलग होने के अर्थ में इन दोनों से, इन सब से, और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी परम महत्वपूर्ण है, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्य एतयोः एतेषां, इनका, इन दोनों का, इन सब का, के की ना, ने, ने, रा, ने, ने, इसमें का के की रहेगा,
इनका वाइद एपस्य राता। फिर अंतिम है सप्तद्वीप, आधारों का करना, आधार की सप्तमी गति होती है इन पर, इन दोनों पर, इन सब पर। अगर उन हो जाएगा तो तस्मिन तयोग तेषां, यहां हो जाएगा ए तस्मिन ए तयोग ए तेष, ए तस्मिन ए तस्मिन गृहे, इस घर में ए तयोग, इन दोनों के घर में ए तयोग गृहयोः ए तेष, इन सब के घर में ए तेष गृहेष, इन सब के घर में। ए रहा एतत् शब्द का पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप, इसको फिर कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है इसको आप याद करेंगे। अगला कल करूंगा, अगले वीडियो।